ये बहुत अच्छी बात है कि काफी जज्बे के साथ आपने भारत माता की जय कर दी है। पर क्या ये भारत माता आपने दो बच्चों के साथ इस तरह क्यों पेश आ रही? भवन साहब को जब पूछने गए थे लाला लाजपत राय कि आप इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, तो भवन साहब ने पहला सवाल ये पूछे थे वेर इज माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि कहां है। आज सवाल आपके सामने वही है कि वेर इज योर मदरलैंड, और ये मदरलैंड का झगड़ा है। मदरलैंड का झगड़ा खत्म नहीं होता था, ये मदरलैंड हमारी है ये प्रूव करके ही हम शांत होंगे, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। जहां तक कि चंबा लोगों की ये समस्या है कि सिटीजनशिप को लेकर जो समस्या चल रही है, इससे मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उसका बहुत जरूरी है। ये आपके सारे आंदोलन में मतलब मैं कोई आपकी खामियां नहीं निकाल रहा हूं, बट वास्तविकता जो है वो हमें समझना पड़ेगा। एक खामी, एक लैकुना जो मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो सारा आंदोलन है आपने बहुत ही लोकलाइज करके रखा है, बहुत ही मर्यादित किया है। और चकमा की अगर बात देखो तो चकमा का पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, तो अगर केवल चकमा लोग ही आंदोलन करते हैं तो मुझे नहीं मालूम इससे सरकार पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं नहीं पड़ेगा, और इसलिए ये जो आंदोलन है इसको पैन इंडिया आंदोलन कैसे बना सकते हैं, पूरे भारत में इसको कैसे फैला सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। जहां तक कि नागपुर की ये बात है, ये आपका पहला प्रोटेस्ट है, पहला आंदोलन है, मैं चाहता हूं कि आप अगला आंदोलन दोबारा नागपुर में प्लान करें, कौन सा समय हो सकता है बाद में देखेंगे। और नागपुर का जो बुद्धिस्ट मॉब है, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मॉब है, वो बड़े संख्या में यहां आना चाहिए, ये कोशिश हम जरूर करेंगे, इसका प्लानिंग करेंगे। और उसके पहले दो तीन महीने हम सारे बुद्ध विहार में घूम के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जब तक हमारा शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा यहाँ तब तक कोई सुनने वाला नहीं, ये पक्का है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी समस्या है सॉल्व होती है, नहीं ऐसे नहीं है, समस्या जरूर सॉल्व होती है, पर जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर निर्माण नहीं होता तो आपकी कोई समस्या सॉल्व होने वाली नहीं। तो इस प्रेशर को अगर क्रिएट करना है तो इसको, इस आंदोलन को और बड़ा कैसे बना सकते हैं और इसको पैन इंडिया कैसे बना सकते हैं, इसमें गहराई से सोच बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, तो उसका प्रेशर जरूर क्रिएट होता है। मैं ये सोचता हूं कि वो वक्त आते तक सरकार हमें प्रोवोक ना करे, उससे पहले ही अगर ये हमारी जायज डिमांड है, जब हम माता रीजन बैठा है वो भी सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी काफी बात हुई उस विषय पर, तो वो जो तरीका अभी अपना रहे आप लोग वो कोई सही तरीका नहीं है। जब हम इस देश में पैदा हुए, इस देश में जी रहे हैं, तो वाई वी शुड अडॉप्ट सम रॉन्ग मेथड्स, इलीगल मेथड्स टू गेट द सिटीजनशिप, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। यहां पिक्चर ऐसा क्रिएट हुआ है कि आपको सिटीजनशिप नहीं दे रहे, और दूसरी साइड में पिक्चर ऐसा है कि ये ओपन इनविटेशन है कि अगर कोई हिंदू इंडिया में आके सेटल होना चाहता, चाहे वो अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, उनको सिटीजनशिप देने के लिए सरकार तैयार है। तो इसमें से एक ही इंडिकेशन मिलता है कि सरकार की मानसिकता किस प्रकार चल रही है। हिंदुओं को सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है, बुद्धिस्ट को सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब इस देश की जो भी सरकार है वो बुद्धिस्ट थॉट प्रोसेस के खिलाफ है, ये इसमें से साफ हमें नजर आता है। मैं चाहता हूं इस आंदोलन को जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा